का टाइम जोन अब भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज बुलाई गई है। दरअसल दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें शिंदे को हटाने का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। तो नेता के पद से हटाने का प्रस्ताव संभव है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शिवसेना अपने संविधान में भी बदलाव कर सकती है। तो देखिए किस तरीके से उद्धव ठाकरे पूरी रणनीति स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना रहे हैं कि किस तरीके से शिंदे को घेरा जाए और वो जो बागी विधायक हैं उन पर भी दबाव बनाने की पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। सवाल इस बात को लेकर है कि पार्टी नेता पद से अगर हटाने का प्रस्ताव पास करती है तो उससे एकनाथ शिंदे की सेहत पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही रिबेलियन है और अपने साथ विधायकों के ग्रुप को लगातार लीड कर रहे हैं। उन विधायकों के ग्रुप ने एकनाथ शिंदे को पहले ही नेता बना दिया, लेकिन आज कार्यकारिणी की बैठक में शिंदे को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा ऐसा सूत्र बताते हैं और हटाने को लेकर प्रस्ताव पास भी हो जाएगा। ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, क्योंकि 1 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने, तो ऐसे में क्या लगता है कि कितना दबाव शिंदे पर बनेगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो नेता का पद है उससे हटाने की यहाँ पर चर्चा की जाएगी, उसी को लेकर दरअसल ये प्रस्ताव लाया जाएगा। तो क्या लगता है कितना असर पड़ने वाला है शिंदे पर आज? देखिए, शिंदे की बात तो यहाँ पर तब आती है क्योंकि आज जो बैठक होने वाली है सीएम की 1 बजे, उसमें जो एमएलए आने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे एमएलए भी हैं जो भले ही अभी उद्धव ठाकरे के कैडर में हैं लेकिन नाराज हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो है भास्कर जाधव जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम के साथ इस 1 बजे की मीटिंग में शामिल होने के लिए। भास्कर जाधव वो व्यक्ति है जिन्होंने 1 दिन पहले ही संजय राउत के ऊपर अपना भड़काऊ भाषण दिया था। ये कहा था कि संजय राउत को अब इतना अग्रमित रूप से बाहर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एमएलए फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए हैं उनकी जो मांगे हैं उनकी जो बातें हैं वो कई हद तक जायज हैं, क्योंकि लगातार एमएलए जो थे वो नाराज थे इस वजह से कि जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो एनसीपी और कांग्रेस के खेमे में चली गई, जस्ट बिकॉज की इसका इकलौती वजह यही थी कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनको सीएम की पदवी मिले, इसलिए जितनी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री।